अस्सलाम वालेकुम लीबे फ्रेंडे, शुन दस इया ताजाइट। इश हैसे शेख आजम उन इश बिन ओरा डोइचलेगा। वी हाबन होते आइन नो इस्तेम फोन डोइच कोर्स आसफाए उन दस इस्ट वेन। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शेख आजम और मैं लाया हूँ आपके लिए जर्मन लैंग्वेज एटू का नया लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है वेन के बारे में। जैसा कि हमने इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा है वेन, जिसे उर्दू में कहते हैं जब, और एक वर्ड पढ़ा है इफ, और उर्दू में कहते हैं अगर। जर्मन लैंग्वेज में इन दोनों वर्ड्स को यानी इफ और वेन को कहते हैं ये वेन। आज मैं आपको इसी वेन से सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा। होटे श्राइबन विया जेड से मित वेन। दिस इज ए इंटरेस्टेंट और आइनफाख। ये बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो उनको मिल सके। बिफोर वी अनफांगन अबनीरे बिटे माइनन खनाल। सो फांगन वी अन, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। वेन का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम वाइल और दस के लेक्चर्स पहले पढ़ चुके हैं। इनमें क्या होता है, एक हाउपजास होता है और एक नेबनजास होता है। लेकिन क्या आपने गौर किया कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन होती है? जी हाँ, वर्ब की पोजीशन। के नेबनजास में वर्ब की पोजीशन जो है वो सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट हो गए, उसकी पोजीशन क्या हो जाती है? जी, वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाती है, वो सेंटेंस के एंड पे आ जाता है। मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन दोस्तों ने लेक्चर नहीं देखे वो देख सकते हैं। वेन में भी ऐसा ही होता है। मैं अभी आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा पहला सेंटेंस, इश बिन ग्लुकलिश वेन दू मॉर्गन कम्स। जब तुम कल आओगे तो मैं खुश होऊंगा। इश बिन ग्लुकलिश, ये क्या हो गया है हमारा? ये हो गया है हाउपजास। और वेन दू मॉर्गन कम्स, ये क्या हो गया है? ये हो गया है नेबनजास। और कम्स जो है ये दू के साथ कॉन्जुगेट हुआ और सेंटेंस के एंड पे आ गया। इसी चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने वेन का यूज करना है तो वर्ब हमेशा सेंटेंस के एंड पे आएगा। एक और सेंटेंस देखें, इश बिन नोह ग्लुकलिशा, कि मैं ज्यादा हैप्पी होऊंगा वेन द मॉर्गनिश कम्स, कि जब तुम कल नहीं आओगे। भाई ये एक फनी सेंटेंस है कि अगर तुम कल नहीं आओगे तो मैं ज्यादा ग्लुकलिश होऊंगा। आप बिल्कुल ज़रूर आना, कि अगर आपने ऑनलाइन कोर्स करना है तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। इसमें भी आप देखें कि जब मैंने वेन का यूज़ किया एक नेबनजास में, तो कम्स जो है ये दुख के साथ कॉन्जुगेट हुआ और ये सेंटेंस के एंड पे आया। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल, इश बिन नर्वस वेन इश आइन फोर स्टेलुंग्स किश पे शाबे, कि जब मेरा एक इंटरव्यू होता है तो मैं नर्वस होता हूँ। इसमें हाबे क्या है, एक वर्ब है जो कि इश के साथ कॉन्जुगेट हुआ लेकिन वेन होने की वजह से सेंटेंस के एंड पे आ गया। नेक्स्ट देखें, इश बिन त्राउरिक वेन इश मिश आइन सा फ्यूले, कि मैं सैड होता हूँ जब मैं लोनली फील करता हूँ। फ्यूले की पोजीशन क्या हो गई, नेबनजास के एंड पे आ गया, इसके साथ कॉन्जुगेट हो गए। नेक्स्ट देखें, दू खास कू डुच प्रशन वेन दू येदन थाक यूप्स,
तुम अच्छी जर्मन बोल सकते हो जब तुम डेली प्रैक्टिस करो। यूब्स क्या है? ये वर्ब है यूबन, जो के दू के साथ कॉन्जुगेट होके यूब्स बन गया और वेन होने की वजह से सेंटेंस के एंड पे आ गया। नेक्स्ट देखें, इश खान अम जमसक आर बाइट वेन इश साइट हावे। आई कैन वर्क ऑन सैटरडे इफ आई हैव टाइम। मैं सैटरडे को काम कर सकता हूँ अगर मेरे पास टाइम है तो। यहाँ पे वेन इफ के तौर पे इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट देखें, इश लाखे मैं हंसता हूँ। मैं कब हंसता हूँ? वेन इश लुस्टिगे फिल्म से, जब मैं एक फनी फिल्म देखता हूँ। नेक्स्ट देखें, ये जोल्टे डोच लर्नन वेन ये नाक डोचलन गैन वोल्ट। कि तुम लोगों को जर्मन सीखनी चाहिए जब तुम लोग जर्मनी जाना चाहते हो। नेक्स्ट, वेन द स्वेटर शून इज गेहिश्पत्सीगन। इस सेंटेंस में देखें कि मैंने नेबन जास को पहले लिखा और हॉब जास को बाद में लिखा। इसमें मैंने जाइन का वर्ब यूज किया जो कि वेटर के साथ कंजुगेट हुआ और सेंटेंस के एंड पे आ गया। जब भी आप वेन के साथ एक सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, यानी नेबन जास के साथ एक सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो वर्ब की पोजीशन तो एंड पे होगी और कॉमा लगाने के बाद होप जास का वर्ब जो है वो पहले आएगा और उसके बाद जो है सब्जेक्ट की पोजीशन होगी। इस बात को आपने गौर से देखना है। जैसे कि इस सेंटेंस में वेन द स्वेटर शून इस, जब मौसम अच्छा होगा, गेह इश्पत्सीगन, गेहन की पोजीशन जो है वो कोमा के बाद होगी, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद इश है, मैं वॉक के लिए जाऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वेन इश म्यूडे बिन श्लाफेश। ये सेंटेंस भी वेन से स्टार्ट हुआ। आप देखें कि बिन जो है ये इश के साथ कॉन्जुगेट हुआ और नेबन जस के एंड पे आ गया और कोमा के बाद क्या है, श्लाफे, क्योंकि इश के साथ कॉन्जुगेट हुआ लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, कोमा के फौरन बाद और उसके बाद आया है सब्जेक्ट। जब मैं म्यूडे होता हूँ मैं सोता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हैं वो इसी तरह के सेंटेंसेस भी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो फ्यूचर भी बता रहे हैं, यानी आप वेन को फ्यूचर बताने के लिए भी यूज कर सकती हैं। कैसे? वेन दू साइट हास क्यूनन वियर नेक्स्ट डे वो है ग्रिलन। कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, अब देखें कोमा के फौरन बाद आ गया है मोडाल वर्ब क्यूनन वियर नेक्स्ट डे वो है ग्रिलन, जो कि वर्ब है, कोमा के फौरन बाद आ गया। नेक्स्ट डे वो है नेक्स्ट वीक, यानी इस सेंटेंस में फ्यूचर की बात तो रही है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम नेक्स्ट वीक बारबेक्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, वेन इज नेक्स्ट टेन सोमो और लव बिकोमे फ्लीगन विया नाक पाकिस्तान। इस सेंटेंस में क्या है, नेक्स्ट समर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात भी हो रही है और बिकोमे जो वर्ब है सेंटेंस के एंड पे भी आ गया और कोमा के फौरन बाद एक वर्ब आ गया फ्लीगन टू फ्लाई। फ्लीगन विया नाक पाकिस्तान, हम पाकिस्तान फ्लाई करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि वेन क्या होता है, उसे मैंने आपको चंद सेंटेंसेस बना के दिखाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त ने ऑनलाइन कोर्स करना हो आप मुझे फेसबुक पर या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।